नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों तो इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर देश के तमाम आशा कार्यकर्ताओं के लिए केंद्र सरकार के तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है। आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन राशि, मानदेय और वेतन से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको वीडियो में देने जा रहे हैं, जो चकाचक अपडेट सुनकर दिल बाग बाग हो जाएगा। तो सारा खबर हम शुरू करें उससे पहले, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना अनिवार्य है, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों आज की महत्वपूर्ण अपडेट है केंद्र सरकार के तरफ से, जो है कि आशा कर्मियों के लिए जो है कि बहुत ही बेहतरीन और बम्पर अपडेट हम लेकर आए हैं। केंद्र की मोदी सरकार आशा कर्मियों के मानदेय में केंद्रांश की राशि बढ़ोतरी करने पर सहमत हो गई है। और सब कुछ ठीक रहा तो केंद्र सरकार अगले महीने इसका अधिसूचना जारी कर सकती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अब इसकी तैयारियों में जुट गया है और अलग अलग राज्यों में वर्तमान में राज्य सरकारों द्वारा आशा कर्मियों को दिए जा रहे प्रोत्साहन राशि की समीक्षा शुरू हो चुकी है। जी हां, देश के तमाम राज्यों में किन राज्यों में आशा कर्मियों को कितना राज्य सरकार देती है और केंद्रांश की राशि मिलाकर कितना जो है कि उनको राशि प्रत्येक मंथ उनके खाते में जो है कि जाता है, इसकी पूरी समीक्षा जो है कि करवा ली गई है और जो है कि बाकी कुछ कार्यों को जो है कि किया जा रहा है और जो है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भी इसमें लगा हुआ है। केंद्र सरकार की नीति है कि अलग अलग राज्यों में आशा कर्मियों को राज्यांश और केंद्रांश दोनों को मिलाकर मिनिमम राशि 6000 से कम रुपया आशा कर्मी का जो है कि भुगतान नहीं हो, ऐसा जो है कि इसलिए किया जा रहा है कि वर्तमान में जो है कि छोटे छोटे कई राज्य हैं, बिहार जैसे राज्यों में आशा कर्मियों को 6000 से भी कम राशि मानदेय या प्रोत्साहन के रूप में मिलती है। जबकि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए श्रम कानूनों की बात किया जाए तो अति कुशल मजदूरों के लिए राज्य सरकार ने जो नियत की है राशि, आशा कर्मियों को वह भी नहीं दिया जाता है। विदित हो कि राज्य सरकार के श्रम कानूनों के अनुसार अति कुशल श्रमिक को लगभग 600 रुपया प्रतिदिन मजदूरी के रूप में दिए जाने का प्रावधान राज्य सरकारों के द्वारा कर इसका अध्यादेश प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। राज्य सरकार के श्रम कानूनों एवं वर्तमान में आशा कर्मियों को दिए जा रहे मानदेय में भारी विरोधाभास नजर आया। केंद्र सरकार को केंद्र की मोदी सरकार ने जब जो है कि सर्वे कराया, कई तरह के सर्वे होते हैं, ह्यूमन राइट्स वाले भी करते हैं, कई तरह का जो है कि मानवाधिकारों की बात, संवैधानिक मूल्यों की बात, मौलिक अधिकारों की बात और राज्य में लागू कानूनों की जो है कि समीक्षा केंद्र सरकार जो है कि गोपनीय और जो है कि प्रत्यक्ष रूप में विभिन्न स्वतंत्र एजेंसियों और अधिकारियों से करवाती है। तो करवाया गया यह समीक्षा तो वर्तमान में आशा कर्मियों को दिए जा रहे मानदेय और राज्यों द्वारा निर्धारित श्रम कानूनों में भारी विरोधाभास पाया गया। इस जो है कि विरोधाभास को लेकर केंद्र सरकार जो है कि काफ़ी गंभीर हो गई और जो है कि अब इससे प्रतीत होता है कि राज्य सरकारें प्रदेश में सरकारी गतिविधियों में शामिल महिलाओं और कर्मियों के साथ कागजी खेल खेलती है। इन सभी बातों पर विचार विमर्श के बाद केंद्र सरकार ने एक ऐसा नीति बनाना शुरू किया जिसमें आशा कर्मियों को जो है कि मिनिमम 6000 रुपया अन्य प्रकार के सुविधाओं को छोड़कर भुगतान किया जा सके और तमाम राज्य सरकारें जो है कि इसको कर सके। इसमें जो है कि राज्य सरकार यदि चाहे तो अपना राज्यांश बढ़ा सकती है, किंतु केंद्र सरकार अपना केंद्रांश बढ़ाने जा रही है, इसकी पुष्टि लगभग हो चुकी है। कुछ लोगों एवं संगठनों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया में बताया कि राज्य सरकारें वर्षों से श्रम कानूने बनाती है और मजदूरी का निर्धारण करती है,
किंतु जब इन श्रम कानूनों के पालन की बात आती है, बारी आती है, तो राज्य सरकारें स्वयं इसका पालन नहीं करती है। अभी केंद्र सरकार जो राशि आशा कर्मियों के बढ़ाने की बात कर रही है, असल में इसका वजह आगामी लोकसभा चुनाव है, जिसका फायदा देश भर में कार्यरत आशा कर्मियों को मिलने जा रहा है। वरना पिछले 5 सालों से केंद्र सरकार ने इन लोगों के लिए कुछ क्यों नहीं किया। खैर, जो भी हो, कारण जो हो, उसके पीछे जाने के बजाय बहरहाल यह देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर कब उतारती है और आशा कर्मियों को 6,000 मानदेय और अन्य विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन राशि के लाभ प्रदान करने वाला अध्यादेश केंद्र सरकार कब जारी करती है। विदित हो कि बिहार सरकार के तरफ से जो पत्र केंद्र सरकार को दिया गया है, उसमें जो है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को लिखे पत्र में और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखे पत्र में स्पष्ट रूप से आशा कर्मियों को जो है कि विभिन्न प्रकार के लाभप्रद जो उनकी प्रोत्साहन राशि के अलावे कुछ सुविधाएं दी जाती है उसको बढ़ाते हुए और वर्षों से उसमें वृद्धि नहीं होने की बात भी राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार से कही गई थी। और विभिन्न राज्यों में, अलग अलग राज्यों में आशा कर्मियों के मानदेय में राज्य सरकारों के द्वारा जो है कि वृद्धि किया गया है। पूर्व के दिनों में जो है कि हरियाणा जैसे राज्य में भी बहुत अधिक मात्रा में राशि की वृद्धि राज्य सरकारों ने किया है, लेकिन केंद्र सरकार जो है कि अपने तरफ से भी कुछ राशि जो कि 6,000 से कम नहीं होगी आशा कर्मियों को देकर जो है कि अपना पीठ थपथपाने और आगामी चुनाव में इसे भुनाने के लिए तैयारी में जुटी हुई है। किंतु जो है कि इसमें श्रम कानूनों की समीक्षा और आशा कर्मियों के जो है कि जीवन यापन के लिए जरूरी राशि का जो है कि समीक्षा बहुत पहले से चल रहा है और केंद्र सरकार ने लगातार इसकी समीक्षा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करवाया, जिसमें श्रम कानूनों की समीक्षा की गई, आशा कर्मियों को वर्तमान में दिए जा रहे मानदेयों में जो है कि अंतर, जो भारी अंतर है, उसकी समीक्षा की गई, अलग अलग राज्यों की समीक्षा की गई और तमाम समीक्षा को करने के उपरांत केंद्र सरकार ने पाया कि जब तक केंद्रांश की राशि में वृद्धि नहीं होती है तब तक जो है कि आशा कर्मियों की हालत में सुधार लाना संभव नहीं है। और इन सभी बातों को जो है कि ध्यान में रखकर केंद्र सरकार जो है कि मिनिमम राशि 6,000 करने के लिए अध्यादेश जारी करने जा रही है। तो यह दिल बाग बाग करने वाला खबर आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए और साथ ही चैनल को लाइक और वीडियो को जो है कि लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।